सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? से बढ़िया। आपका दोस्त सोमेन गोल फिर से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, मेरे पास देखिए दो पतंग है, और एक तो ये न्यूज़पेपर वाली काइट है, आप लोग इसको पहचान ही रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो शॉट हमने डाला हुआ था, अभी हमने एक अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, एक इवेंट हुआ था तरंग के नाम से, तो वहाँ पे जाके लाइव बनाया था फ्रेंड्स, और काफ़ी सारी पतंग बनाया था हम लोगों ने, और हमारे साथ और भी कई क्लब काइट फाइटर्स थे, उन्होंने भी बनाया। तो फ्रेंड्स, ये वाली पतंग मैंने बनाया और इसको मैं वापस ले आया अपने साथ, हालांकि वहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग मांग रहे थे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, उसके अलावा भी हमने बहुत पतंग बनाई, और कुछ पतंग हम अपने साथ भी लेकर के गए थे। सारा का सारा पतंग फ्रेंड्स वहाँ पे जो है गिव अवे में चला गया, लोगों ने ले लिया हमारे से, और लोगों ने क्या किया कि मतलब हमारा बॉक्स खोल खोल करके पतंग निकाल लिया। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा काइट बॉक्स में सिर्फ ये दो पतंग आई, मेरे को पाँच पतंग गिफ्ट किया था, और ये पतंग जिन्होंने बनाए उनका नाम है कुणाल। ये देखिए के लिखा हुआ है, कुणाल बहुत अच्छा पतंग बनाते हैं, और यहाँ पे भी देखिए उनका स्टिकर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए स्टैंप लगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये पतंग जो है मैं किसी तरह से बचा करके ले आया, जहाँ पे इवेंट हो रहा था उस ग्राउंड से बचा करके ले आया था। फ्रेंड्स, काफ़ी पब्लिक आई हुई थी, ऑलमोस्ट 1000 के करीब पब्लिक थी, और समझ लीजिए कि वहाँ पर काफ़ी पतंगें उड़ी, लोगों ने बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, मतलब जेंट्स लेडीज़ सब पतंग उड़ा रहे थे फ्रेंड्स। तो उसका भी वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी उसका वीडियो आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना, ये बिल्कुल नई ताज़ी पतंग है और इसको कुणाल भाई ने बनाया, तो हम इसको थोड़ा सा चेक भी कर लें कि उड़ने में कैसा है। इसको तो हम बाद में चेक कर लेंगे, ये तो हमारे घर का ही खेती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लगाते हैं टेप, तो इसमें टेप लगाएंगे हम जो है, इसमें लगाएंगे येलो कलर का टेप लगाते हैं, और इसकी जो है टेप लगा करके हम लोग ऊपर वाले छत पे ले जाएंगे और ट्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो है हमारा टूल किट है, जब भी कभी मैं बाहर जाकर के पतंग बनाता हूँ, लाइव पतंग बनाता हूँ पब्लिक के बीच में, तो फ्रेंड्स ये मेरा टूल किट है, इसके अंदर ये सारा सामान है, और ये सब सामान लेकर के मैं जाता हूँ और पतंग जो है लाइव बना करके दिखाता हूँ लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये मैं लगाने लगा हूँ इस पर टेप। सबसे पहले जो है पतंग का कमज़ोर हिस्सा जो होता है वो ये होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि ये एक पोनी की पतंग है, और तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इस साइड पे टेप लगाया, और इधर भी अभी मकर संक्रांति आने वाला है, तो उसके लिए भी काफ़ी पतंग वतंग तैयार करनी पड़ेगी मेरे को। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये टेप लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप ये टेप नहीं लगाएंगे तो फ्रेंड्स आप पतंग को उड़ा करके जैसे ही खींचेंगे फ्रेंड्स आपकी पतंग फट जाएगी। और ये तो बिल्कुल नई ताज़ी पतंग है, इसको तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ। अभी इसकी हम लोग ट्राई करेंगे, तो फ्रेंड्स उड़ा करके देखेंगे कि उड़ने में कैसा है। और मैंने कुणाल का पतंग कभी नहीं उड़ाया, मैंने सुना तो था कि कुणाल बहुत अच्छी पतंग बना रहा है, सारे क्लब काइट फाइटर्स मेरे को बताते थे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम जो है मेरे को इसको उड़ाने का मौका मिलेगा, तो मैं इसको उड़ा करके देखूँगा कि उड़ने में कैसी है। और अभी तो बिल्कुल नई ताज़ी है, हो सकता है थोड़ा सा इसका बैलेंस वगैरह आउट हो, क्योंकि नई पतंग में बिल्कुल फ्रेंड्स बैलेंस बनता नहीं है। ये 3 दिन पहले बनाए हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं। और ये देखिए, ये मैंने इसको कर लिया तैयार। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे नए नए बच्चे आए हुए थे वहाँ पे, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स तो हैं, लेकिन उनको पतंग का कन्ना भी ढंग से नहीं बांधना आता है फ्रेंड्स, तो वो मेरे से पूछ रहे थे, अंकल पतंग का कन्ना कैसे बांधे, एकदम बिल्कुल परफेक्ट कन्ना बांधना बताओ। तो वो कह रहे थे कि कभी जो है हम धागा ज़्यादा तोड़ लेते हैं, कभी छोटा तोड़ लेते हैं, उसके लिए मैंने भी एक अपनी दिमाग की जो बत्ती जला करके एक आइडिया निकाला है। तो आइडिया ये है, ताकि आपका ना धागा वेस्ट हो और ना ही
आप इसका छोटा धागा लें, ये देखिए आप इसको तीन बार नाप लेंगे, जो पतंग की साइज़ है ये पौने की पतंग है तो आप इसका तीन बार साइज़ नाप लीजिए, और अगर अद्धी की पतंग है उसमें भी तीन बार नाप लीजिए, और अगर मझोले की है तो उसमें भी तीन बार नापिए, और अगर ढाई की है तो उसमें भी तीन बार नापिए। तो फ्रेंड्स ये जो ठड्डे का साइज़ है इसका मैंने तीन बार लिया, कमान का नहीं लेना, इसको कमान कहते हैं, तो इसका नहीं लेना, इसका मेज़रमेंट लेना है, और एकदम जो परफेक्ट करना जिसको कहते हैं 100% परफेक्ट, इससे ज़्यादा परफेक्ट और कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी आइडियाज़ वगैरह देते रहेंगे लेकिन इससे ज़्यादा परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपने इतना हिस्सा सामने का डबल करना है, और इसको हमने लिया बांध यहाँ पे, तो ऐसे भी हम लोग तो अंदाजे से बांध लेते हैं, लेकिन अगर आपने कभी भी पतंग नहीं उड़ाया है अपने लाइफ में और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइमर है उसके लिए है ये जो यहाँ पे आपका वो दिया हुआ है, एक मेज़रमेंट दिया हुआ है कागज़ का, उसी के हिसाब से मैं इसको बांध रहा हूँ। ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिया फंदा, बहुत एकदम कितना भी आंधी तूफान है पतंग फट करके चकनाचूर हो जाएगा लेकिन कन्ना नहीं टूटेगा। तो अब इसका जो है एक कन्ना बांधने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स, वो ये होता है कि आप इसको जो हम लोग नॉर्मल रेगुलर कन्ना कहते हैं, तो रेगुलर करने के लिए मैंने यहाँ पे निकाला सुराख, लाइक दिस सुराख, इसको कहते हैं सुराख, और यहाँ पे भी सुराख निकाल लिया जाए क्रॉस करके। ये देखिए मैंने सुराख निकाल लिया इसको, और ये देखिए एकदम परफेक्ट कन्ना बांधने का यही तरीका होता है, और इसको एवर ग्रीन कन्ना कहते हैं हम लोग, जो ये हमने सुराख निकाली है इस डिस्टेंस के अंदर, इसको एवर ग्रीन कहते हैं, यानी सदाबहार है ना, सदाबहार कन्ना कहते हैं इसको। और अब इसमें हम लोग सुराख में इसको ऐसे पिरोया, पतंग को पलट करके दिखाता हूँ, इसको हमने यहाँ से निकाला और इधर से भी पिरो दिया, ये फर्स्ट टाइम पिरोना हुआ लेकिन फर्स्ट टाइम से काम नहीं चलेगा, सेकंड टाइम फिर पिरोना पड़ेगा, सेकंड टाइम हमको इसको फिर से इसी में से ही निकालना है, और ये हमने सेकंड टाइम फिर निकाल दिया तो इधर से भी सेकंड टाइम निकालना है। ये देखिए मैंने सेकंड टाइम फिर से निकाल दिया, अब ये आ गया फंदे में, ये देखिए एक बार दो बार, दो बार से दिल नहीं भरा तो इसलिए तीसरी बार भी ज़रूरी है, ये देखिए तीन बार, ये दिल मांगे मोर नहीं चलेगा, बस तीन बार सफिशियंट है, अगर आप चौथी बार भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। इसी तरह से इधर से आपने एक बार पिरो लिया और अगेन इधर से भी पिरो लिया, ऐसे करके निकाल लिया, बिल्कुल ये जो बिल्कुल बेचारे नए सब्सक्राइबर्स हैं जिनके मम्मी पापा ग्रैंडपा ग्रैंड मदर दादा दादी नाना नानी या 10 जनरेशन तक किसी ने भी पतंग नहीं उड़ाया हो उसके लिए है बिल्कुल ये परफेक्ट करना। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसको लगा दिया नॉट, एक बार दो बार, दो बार से दिल नहीं भरा तो तीसरी बार, अब जो है फ्रेंड्स ये बड़ा पक्का हो गया, ये इतना मजबूत हो गया कि अब ये हिलेगा नहीं कहीं से भी, बेशक आंधी तूफान आ जाए पतंग फट के चकनाचूर हो जाएगा, चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे पतंगे, लेकिन ये कन्ना नहीं टूटेगा। तो फ्रेंड्स अब बांधते हैं हम इसका, जो बिल्कुल न्यू कमर है उनके लिए ईजीएस्ट वे, ईजीएस्ट वे क्या है, आसान तरीका, आसान तरीका ये है, यहाँ पे हमने एक लिया और फिर इसको हम आगे खिसकाते हुए ले आए, यहाँ पे मिला दिया और इसको हम एक या डेढ़ इंच, ये देखिए इतना ऊपर उठा देंगे, दो इंच भी उठा देंगे तो भी चलेगा, ये देखिए दो इंच उठा दिया मैंने, ये दो इंच गैप होगा अंदाजे से बता रहा हूँ, और ये मैंने बांध दिया इसका फंदा। अब फ्रेंड्स हम उड़ा करके देखेंगे, अगर पतंग चक्कर ज़्यादा लेगी तो आपको एक नॉट यहाँ पे बांध करके देखना है, अगर पतंग चक्कर ज़्यादा ले रही है तो, और अगर पतंग कम ले रही है चक्कर तो इसी को नॉट आगे ले लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसको हम लोग उड़ा के देखते हैं, पर उड़ाने से पहले काम करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसका झप मोड़ना, तो लोग यहाँ से झप मोड़ देते हैं नाव की तरह, लेकिन यहाँ से नहीं मोड़ना है, सिर्फ यहाँ से लेकर के इस जगह से लेकर 4 इंच के भीतर, तो यहाँ से यहाँ तक 4 इंच होता है, तो इसको हम सर के ऊपर रखते हैं ऐसे लाइक दिस, ये देखिए है ना, और हल्के हल्के, और इन उंगलियों का सपोर्ट देना है यहाँ पे, नहीं तो आपका अगर अच्छी क्वालिटी का पतंग नहीं है तो उसका ठड्डा टूट सकता है, और अगर अच्छी क्वालिटी की पतंग होगी तो उसका ठड्डा नहीं टूटेगा इतनी आसानी से। ये देखिए फ्रेंड्स जो ये देखिए इसका ठड्डा देख रहे हैं आप,
कितना खूबसूरत तरीके से कुणाल भाई ने इसको बनाया है, पूरा सेक करके धागा लगा करके इसको इतना बढ़िया ठड्डा, इतना ही बढ़िया कमान बनाया है। तो चलिए अब तो ये तैयार हो गया, तो हम चाहे तो यहाँ से भी उड़ा सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ से उड़ जाएगी, लेकिन हम चलते हैं ऊपर वाली छत से, क्योंकि गद्दा सद्दा सब मार के देखना है। तो लेट्स गो फ्रेंड्स, मैंने लेट्स गो तो बोल दिया, इतना तामझाम कर लिया, लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया। तो वो क्या चीज़ है, वो फ्रेंड्स छोटा सा एक टेप का टुकड़ा तोड़ना है लाइक दिस, और आप इसको यहाँ पे लगा देंगे ताकि आपका तन्ना जो है तन्ना आगे की तरफ ना खिसके, और अगर और भी अच्छा रहेगा आप इसको यहाँ से भी बंद कर दें जहाँ पे ये धागा है, ये देखिए ये जो धागा है इसके ऊपर रख करके धीरे से हल्के हल्के हाथ से इसको अगर प्रेस कर देंगे तो ये फ्रेंड्स कन्ना आपकी आगे नहीं खिसकेगी, यानी पतंग रहेगा सदाबहार। तो चलिए अब बोलता हूँ लेट्स गो। A few moments later, फ्रेंड्स फाइनली हम लोग छत पे आ गए हैं और अभी इसकी ट्राई होगी, पता नहीं कैसा उड़ता है। फर्स्ट टाइम उड़ा रहा हूँ फ्रेंड्स मैं इनकी पतंग कुणाल भाई की, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है उतना ही खूबसूरत उड़ने में भी फ्रेंड्स। और ये पार लड़ाने के लिए पतंग बनी है फ्रेंड्स, जी हाँ, छोटे मोटे पेज के लिए नहीं बनी है, मस्त है फ्रेंड्स पतंग, बहुत ही मस्त है। ये इसका लेफ्ट चक्कर था, ये इसका राइट चक्कर है, अगेन ये इसका लेफ्ट चक्कर है। सब जो है वहाँ पे लोगों ने निकाल लिया। तो फ्रेंड्स पतंग बहुत ही मस्त है, बहुत बढ़िया पतंग है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। अभी थोड़ी सी हल्की सी जा रही है, मामूली सी, बहुत मामूली सी जा रही है, लेकिन इसको जब हम लोग रख देंगे कुछ दिन के लिए, इसका कन्ना वापस खोल के रख दिया जाएगा, तो फ्रेंड्स ये पतंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी आपको काइट फाइटिंग के वीडियो मिले, तब तक के लिए बाय, और इस पतंग से भी काइट फाइटिंग करूँगा।